चलिए आई गेस मेरी आवाज़ आई होगी। स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस सेशन के साथ और रियली क्विक स्पीड रन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। इससे फॉर्मूला लगेगा, एक सेकेंड टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQ आर इक्वल्स टू हाफ पी प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट में 3 पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 30 माइनस 3 PQ आर इक्वल्स टू हाफ। इसकी वैल्यू दे रखी है 5 मल्टीप्लाई में 3 × इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 माइनस 5 का स्क्वायर 15 45। 45 माइनस 25 1/2 × 5 इक्वल्स टू 30 माइनस पी क्यू आर। यहाँ से बचेगा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 से काटेंगे 10 बचेगा, 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50, इधर से 30 इधर माइनस हो जाएगा तो 50 माइनस 30 20, तो माइनस 3 PQR की वैल्यू होगी 20, बट ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। एक चोर एस्केप करता है 10 बजे और 10:30 बजे तक कहीं पहुंच जाएगा, मतलब 11:30 बजे तक। तो ये 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 आवर तक वो भागा है। कितनी स्पीड से भागा है? वो भागा है 40 की स्पीड से, भागना शुरू करा था। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, जो कि 40 × 1.5 है। तो ये 40 × 1.5 करेंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस मिल गया हमें, डिस्टेंस ये है। अब कह रहा है कि कितने टाइम में पकड़ लेगा, तो टाइम जो है वो रिलेटिव वाला आएगा, रिलेटिव। तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 60 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? जो पुलिस की स्पीड है 60 माइनस 40 करके, ये पुलिस की है और ये थीफ की है, माइनस करके निकलेगा। 60 / 20 काट देंगे, ये आएगा 3 आर। तो 3 आर कहाँ से कैलकुलेट करना है? 11:30 से। तो 11:12:30 11:12:12:30 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आर्टिकल जो है, हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला और इतने में बेचा गया, तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट -x² / 100। तो 10 और 10 यही x की वैल्यू है जो यहाँ पर है, तो 10² / 100 और ये माइनस में रहेगा। तो 10 × 100 होते हैं और नीचे भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा वन टाइम, यानी माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। तो लॉस होगा, गेन तो होगा नहीं, तो इन दोनों ऑप्शंस को हटा देते हैं। तो ये होगा 1% का लॉस। आगे चलते हैं। टू शिप्स यहाँ पे इस तरह से डायग्राम है कि ये एक पोल है, पोल की हाइट है 100 मीटर। यहाँ पे एक बनाता है 45 एंगल और एक बनाता है 30। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा 10 के रेस्पेक्ट में, 10 θ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ये निकालना है, अगर जो ये पी है इसे मैं क्यू मान लेता हूँ, तो पी क्यू की वो निकालनी है। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ, इसको एक्स मानता हूँ, इसे वाई मानता हूँ, तो नॉर्मली निकालेंगे 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 100 थीटा के सामने वाली लाइन, और बेस है हमारा एक्स। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी 100, ठीक, ये 100 आ गया। वाई के निकालने के लिए 10 30, तो ये 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम परपेंडिकुलर हमारा 100 है, बेस हमारा वाई है, और √30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, यानी वाई आ गया हमारे यहाँ से सॉल्व करने पे 100√3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.73 अप्रोक्स में लेंगे तो ये हो जाएगा 173। दोनों को ऐड कर देंगे 173 और 100 को, तो 273, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर जो कि होती है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू ये दे रखी है। रेडियस एंड हाइट दोनों इक्वल है, यानी कि जो हाइट है इसको भी मैं आर लिखूंगा, आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 22 × 7 यहाँ पे पहुँच जाएगा। 11 से कट रहा है 2 टाइम्स, 11 7 11 4 2 3 6 2 7 14, 7 का मल्टीपल और ये आएगा, और आंसर इधर क्यूब है तो क्यूब रूट में आएगा आंसर इसका 37 × 7।
टू का मल्टीपल कुछ नहीं है तो टू यहाँ पे आएगा नहीं, ये ऑप्शन कटा, स्क्वायर में रूट नहीं है। अब दो आंसर है, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं दोनों की, 7 7 49 यूनिट डिजिट 9 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, पी क्यू इन्वेस्ट इतने टाइम के लिए, इतने मंथ्स तक इन्होंने इन्वेस्ट करा पी ने, तो सीधा सीधा है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करने पे हमारा सीधा रेशो निकलेगा प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट टू टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट की रखिए 4, उसकी मल्टीप्लाई 21 से करेंगे अपॉन 7, मल्टीप्लाई कितने से करें कि हमारा 3/5 बन जाए प्रॉफिट। तो 7 3 21, 3 से 3 कट गया, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क यानी टाइम हो जाएगा इसका 4 × 5 जो कि 20 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। आगे चलते हैं, हरी इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ फॉर इतने टाइम के लिए, तो 3 साल के लिए करेंगे तो 100 × 3 × 11.3 समथिंग, ये 100 से कट जाएगा 100, तो 33.03 09 सॉरी। अब ये तो आ गया इंटरेस्ट एस आई 3 साल का, अब इसमें अमाउंट क्या बैठेगा, इसका अमाउंट इसमें 100 ऐड कर दो तो 133.09 ये इसका अमाउंट बैठेगा टोटल 3 साल बाद। अब वो कह रहा है 10% पे कितने रुपए दूं कि वो बैठ जाए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के बाद इसके बराबर, तो करके देखते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या सीन होता है कि अमाउंट बढ़ता रहता है, अगर जो मैं पहले से ही ज़्यादा लूँगा 120 लूँगा उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर जैसे सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल के देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब 100 वाला ही इसका सही आंसर है, अदरवाइज आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे रेट अपॉन 100 + 1 की पावर n - हमें तो अमाउंट निकालना है ना, तो सीधा प्रिंसिपल हमें ये कुछ फॉर्मूला निकालना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में फॉर्मूला, तो हमें अमाउंट चाहिए कितना 133.09, तो प्रिंसिपल कितना लें 1 + 10/100 करने के लिए 3 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 11/10³ 1331/123, यानी सीधा सीधा हाँ, तो ये इसका 100 पे सेटिस्फाई करेगा, 100 होगा तभी आंसर आएगा, अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे 100 रखूँ तो ये आंसर आएगा ये वाला 133 जो कि इसके बहुत क्लोज है, यानी कि इसका आंसर 100 है, सेटिस्फाई करेगा। आगे चलते हैं, कॉस्ट प्राइस, अब ये जो क्वेश्चन है ये रेशो के ऊपर है, CP/MP के रेशो पे है। CP अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो पहले तो 100 लिख लीजिए दोनों तरफ, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है तो इसमें प्लस लगेगा, कॉस्ट प्राइस कम होता है तो इसमें माइनस। अब क्या चीज़ माइनस करें, यहाँ पे डिस्काउंट और यहाँ पे प्रॉफिट प्लस करना पड़ता है, तो CP की वैल्यू है 1008 MPA में फाइंड करना है, 100 - डिस्काउंट तो 100 में से 16 घटाने हैं और प्रॉफिट कितना चाहिए 18 का, तो 18 प्लस करना है, तो यहाँ से माइनस कर दो 4 8 और इधर आएगा 118 1008/MP, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर ऐसे डायरेक्ट काट लो, 4 से कट रहा है, 4 2 8 4 1 4 4 2 8 4 5 4 2 8 3 से कट रहा है 3 7 21 3 7 21 3 4 12 3 8 24 3 4 12 84, 7 से कट रहा है दोबारा 7 7 14। अब आंसर जो है 3 का मल्टीपल भी है तो 3 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ, मतलब MP जो है वो हमारा 12 × 118, जो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल चेक करते हैं, ये नहीं है ये है 5 6, ये भी है ये भी है। अब यूनिट डिजिट 16, ओ सॉरी सीधा सीधा यूनिट डिजिट देख लेते हैं, उससे हो जाएगा 2 8 16, ये आंसर है इसका। हाँ ठीक है ये है, आगे चलते हैं, हाउ मेनी इयर्स विल दिस डू दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट का फॉर्मूला कह रहा है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + रेट अपॉन 100 की पावर n, सीधा सीधा लगा दीजिए 1 2 1 1 6, प्रिंसिपल डिवाइड में आ जाएगा 1600, 1 + रेट 15 है की पावर n, 5 3 15 5 2 10 0, तो 23/20 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 1 1 6/1600, 4 से कटा 4 4 16 0, 4 5 20 4 2 8
4936। नीचे 2 0 आ रही है यानी कि, और यहाँ पे 0 को 2 0 बनाने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए, 2। सेटिस्फाई हो जाएगा 2 पे। चलते हैं आगे। अब ये MDH वाला क्वेश्चन है। MDH इक्वल्स टू MDH 1 2 1 1 1 2 2 2 वर्क 1 और वर्क 2। इस तरह का फॉर्मूला लगेगा इसमें। 12 टैप्स 14 मिनट में, तो कितनी टैप्स जो हैं वो 1 घंटे में कर देगी। अब ये जो दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, मिनट है और ये आर है, तो उसको 60 से डिवाइड कर लेंगे। वर्क दोनों को सेम ही करना है, सेम ही टैंक फिल करना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। 6 to the 12 टैप से टैप कर जाएगा, 2 4 8, 8 इसका आंसर आ जाएगा। द रेशो ऑफ द मिल्क इन दिस, इसको ऐसे लिखते हैं, रेशो को बेसिकली हमें सेम बनाना होता है। इसको ऐड करेंगे 14, इसको ऐड करेंगे 17, तो इधर पूरे में 17 की मल्टीप्लाई होगी और इधर पूरे में 14 की मल्टीप्लाई होगी। अब पूछ क्या रहा है, वाटर और मिल्क का रेशो पूछ रहा है। दे मिल्क और वाटर का रखा है, मतलब ये मिल्क और वाटर दे रखा है, पूछ वाटर और मिल्क रहा है। ठीक है, रेशो जो भी निकालोगे आप उसका रिवर्स कर देना या फिर पहले ही वो निकाल लो। तो मैं डायरेक्ट, मुझे अलग अलग दिख रहे हैं सारे, तो मैं मिल्क निकाल वाटर निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। 17 5 85 प्लस 8 5 13, 9 9 18 183। 183 ये नहीं है, सिर्फ ये आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा, बाकी आप उसे भी कर सकते हैं। कह रहा है पिंत्रा जो है 17 से 21 में, 17 कहाँ पर है ये रहा, 21 कहाँ पर है ये रहा, इसमें कितना चेंज है। इसमें 1.6 का चेंज है। कह रहा है परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, तो 5.6 को बेस मान के निकाल देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 4 4 16, 4 7 8, नहीं 8 2 16, 1 सेकेंड जरा, 1.6 का चेंज है, 5.6 बेस पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 2 16, 8 7 56, तो 200/7 आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 14, 6 बचा 0, 7 8 56, 28 के अप्रोक्स आएगा। 28 ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, सीधा आंसर फोर्थ मार्कर का चलेंगे। इन्हें इलेक्शन बिटवीन, इस इलेक्शन वालों को ऐसे करते हैं कि वैलिड कितनी है, 25 इनवैलिड है, तो 25 इनवैलिड है, तो बची कितनी, 75 वैलिड है, ये वैलिड है। वैलिड में से भी 65 एक कैंडिडेट को मिली है जो रुकी है, तो बची कितनी, 35 बची हैं, जो कि हमारे केस को मिली है कैंडिडेट सुशील को। अब सुशील को 35% वाला निकालना है हमें, जो कि टोटल वोट कितनी है, यानी कि सुशील जी जो है 35% ऑफ 75% ऑफ किसका, 6000, ये सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 और 1 कट गई, 5 7 35, 5 2 10, 2 3 6 आंसर। 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल है, कोई भी चेक कर लीजिए उससे आंसर आ जाएगा। 3 का चेक करते हैं, 5 पर 1 6, 7 7 14, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 5 5 10, 18 ये कट रहा है, 10 3 13 ये नहीं कट रहा, आंसर नंबर थर्ड है इसका। आगे चलते हैं। द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है 176 दे रखा है, एलसीएम माइनस एचसीएफ और 160 दे रखा है। इससे हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले ऐड करो नॉर्मली, तो 2 LCM इज इक्वल्स टू 13 3, इसे डिवाइड कर दो 2 से, 2 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
इसको माइनस करना पड़ेगा जो कि 16 डिवाइड करना पड़ेगा 2 से 8 आ जाएगा, यानी 8 का मल्टीपल आएगा। 8 का मल्टीपल ये नहीं है, ये दोनों है, इनसफिशिएंट डाटा नहीं है, निकल रहा है आंसर हमारा। अब सम जो है वो 80 दे रखा है, यानी ए प्लस बी जो है वो 80 है, तो ए प्लस बी हमारा 80, दोनों ही 80 आ रहे हैं क्या? 5 दोनों का ऐड करेंगे, ये भी 80 और ये भी 80 है। अब दोनों से एलसीएम निकाल के देख लो, या फिर 168 आ जाए हमारा, तो किससे 168 एलसीएम आएगा, इस वाले को करके देखते हैं। 8 21 8 16, पहले वाले साथ है, एक सेकंड वाला और चेक कर लेते हैं। 8
दूसरे सेकंड वाले से नहीं आ रहा, फर्स्ट वाला आंसर है। आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 144 पहले तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, तो आंसर प्लस नहीं आ रहा है, ठीक है कोई चेक नहीं करना। 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 144 का रूट 12 हो जाएगा, 576 का रूट 24 हो जाएगा, 16 16 ही लिखेंगे क्योंकि उसमें कोई रूट नहीं है, और 64 का 8 हो जाएगा। 12 2 24, 2 8 16, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, सुमित रवि पुनित इन्वेस्ट रुपीज 45, इसका पहले 0 से 0 सारे काट दो, रेशो निकाल लो, या 90 बचा तो 45:81:90 और कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से 9 5 9 9 9 10। अब 30% वो चैरिटी में दे देता है, बचा हुआ अमाउंट वो प्रॉफिट को बांट देता है, तो सुमित का निकालना है। तो पहला परसेंटेज सुमित में 5/14 24×70% ओ किसका 4800 ये निकालना है। तो यहाँ से हमारा 24 2 तो 200 बचा होगा, 0 से 00 कट गई, 2 5 10, 700 इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमारा कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ए बी सी डी कह रहा है कि यहाँ पे से एक एंगल बाइसेक्टर है इसका, और यहाँ पर से एंगल बाइसेक्टर है इस वाले का एंगल सी का, तो हमें बताना है इस प्रॉब इनमें से चेक करके कौन सा करेक्ट है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं। अ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए इधर से पी है उधर क्यू है, ए पी क्यू है, यानी यहाँ पे से लाइन डाल देंगे और उधर से लाइन डाल देंगे, सिमिलर हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं सिमिलर, क्योंकि ये वाली लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होने की वजह से ये वाला एंगल इसके इक्वल और इधर वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल सिंगल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, सम ऑफ दिस दिस एंड दिस इतने टाइम के लिए, कितना टाइम, टाइम इतने के लिए दोनों का अलग अलग है, तो 8500 एक्स रेट से अपॉन 100 कितने साल के लिए, 26/7/2 टाइम्स के लिए प्लस, दूसरा डबल करना है 18500 का एक्स +2/100 और सेम टाइम के लिए 7/2 के लिए, तो टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है 2590। सबसे पहले तो दो जीरो से हर जगह दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 7/2 को मैं करूँ कॉमन निकाल लूँ, और 85 इधर 259 और नीचे 185 डिवाइड में आ जाएगा कॉमन निकालने के बाद, और 7/2 भी कॉमन निकाल लूँ तो 7 जो है डिवाइड में आएगा 2 पर मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ पे बचेगा एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स +2×100 ये बचेगा, तो यहाँ से 100 भी हम उधर भेज देते हैं, तो एक्स +2×+4 इसके मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, काट लेते हैं पहले जो कट रहा है, 7 3 21 7 7 49 37 37 5, तो ये 100 उधर गया, 5 2 10 22 4 40 आएगा, और इधर से सॉल्व करेंगे तो 3x = ये 4 इधर प्लस का उधर माइनस हो जाएगा 36, x = डिवाइड कर देंगे 36 को 3 से, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 तो डायरेक्ट है, हमें क्या पूछ रहा है सेकेंड इन्वेस्टमेंट में, यानी इस वाले के लिए x+2 की वैल्यू बतानी है, 12 + 2 = 14 आ जाएगा इसका आंसर। एंड एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज दिस, तो हाइट टीचर के अगर जो एवरेज हाइट 142 में अगर जो टीचर और ऐड हो जाती है हमारी, तो 17 का हमारा एवरेज 142 1+ हो जाता है, ओके तो 17 × 142 + 1 16 × 142 + टीचर, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 17 को मैं लिख सकता हूँ 16 + 1, तो 16 + 1 की मल्टीप्लाई 142 + 1 से माइनस 16 × 142, 16 की मल्टीप्लाई पहले नंबर दूसरे नंबर से, तो 16 × 142 + 16 + 142 + 1 −16 × 142 नॉर्मल सा ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो आंसर जाएगा 6 3 6 2 8 1 9 4 और 1 5 159, 1 ऑप्शन नंबर ए आंसर। स्क्वायर निकालना है, इधर स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 10 8 प्लस
40 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि होता है 4, तो 10 स्क्वायर बन जाएगा प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2। जो 10 ए की मल्टीप्लाई होगी कोट ए में, तो ये कैंसिल आउट होके 1 बचता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। इधर प्लस होता जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 बाय 2 बचे, 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए 2 बचा। हमें इसका ट्वाइस बताना है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सीखते हैं। पी माइनस क्यू दे रखा है ये, और इधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाती है 24। तो डायरेक्ट हमें 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू के फॉर्म में बन जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है, डिवाइड में जाएगा तो 6 पावर 24, इसका आंसर 4 है। आगे चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि ए रेशो बी रेशो बी रेशो सी, इस तरह से। तो बी की मल्टीप्लाई बी से होगी, यानी 63 × 63 / 42, 7 6 42, 7 9 63, 3 2 6, 3 3 9। पॉइंट में आएगा और 3 का मल्टीपल आएगा, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। तो आंसर 3 का मल्टीपल चेक कर लिया हमने डायरेक्ट सॉल्व ना करके। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पार्टिसिपेट इन गेम ए टू द गेम दस, टोटल करना है हमें गेम ए का। तो इधर करो 1 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 11, 13 22, 24। हो गया टोटल अपॉन, इधर ऐड करो 6 6 12 8 20 30 34, कह गया 3 5 3 5 5 10 10 20 और 3 23, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 7 14, 2 1 2 2 2 7 14, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है हमारा, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी, फूड कहाँ है ये रहा, इन दोनों को माइनस करेंगे 4% आएगा। 4% की वैल्यू निकालनी है, जो बजट हमारा 32,000 है, यानी ये परसेंटेज हटेगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 32,000, 2 0 से 2 0 कटी, 2 4 8, लास्ट में 80 आएगा, 3 4 12, 1 2 8, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। कह रहा है हमें रेशो निकालना है BSNL कार्ड और एयरटेल का दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, दिल्ली ये रहा, BSNL कितना है हमारा 10 और हमारा एयरटेल कितना है हमारा 20। सीधा 0 से 0 कटी के 1:2 आएगा, ख़त्म हो। ये था स्पीड रन, आई होप पसंद आया होगा। एंड करते हैं क्लास में।